नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च, दिन बुधवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आईटी कंपनी करेगी बड़ा निवेश। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 के लिए एडमिट कार्ड करे डाउनलोड। के पाठक ने स्कूलों को दिया नया आदेश। बिहार में 24 से 29 मार्च तक चलेगा विशेष पोलियो अभियान। बिहार में होली से पहले बढ़ रही गर्मी। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की बढ़ी डेडलाइन। यशस्वी जायसवाल ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किया अपने नाम। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधान परिषद सचिवालय में भर्ती के लिए करें आवेदन। बिहार विधान परिषद सचिवालय में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधान परिषद सचिवालय में एडीओ, डीई और स्टेनोग्राफर के पदों पर बहाली निकली है। फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहले पंजीयन करना अनिवार्य है। इसके बाद पंजीकरण के विवरणों को लॉगिन करके उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन को आसानी से सबमिट कर सकते हैं। वहीं अप्लाई करने के दौरान 600 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि SC/ST और महिला उम्मीदवारों को 150 रुपये देने होंगे। बिहार में आईटी कंपनी करेगी बड़ा निवेश। बिहार में आईटी कंपनी बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। एक वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक मार्च 2024 में पटना में अपना पहला कार्यालय खोलेगी। इसके लिए बियाडा की ओर से कंपनी को जगह उपलब्ध हुई है। बिहार उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक ने 3 नवंबर को HCL टेक्नोलॉजी के अभय चतुर्वेदी एवं HCL के SVP थिमैया PK के साथ दिल्ली में एक मीटिंग की थी। इसके बाद अब HCL टेक के द्वारा पटना में ऑफिस खोलने की बात सामने आई है। कंपनी की तरफ से पटना में एक डेटा सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि HCL के अलावे कई अन्य कंपनियां भी पटना में निवेश कर सकती हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे भीम बांध वन्य अभ्यारण्य के बारे में। ये बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका इतिहास महाभारत काल जितना पुराना है। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान इसी वन में आए थे। वनवास के दौरान भीम ने आजीविका के लिए एक बांध का निर्माण किया था, तभी से ये स्थान भीम बांध के नाम से लोगों के बीच प्रचलित हो गया। इस स्थान पर आपको खड़गपुर जंगल के अंदर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा प्राकृतिक झरना देखने को मिलेगा। यह स्थान गर्म पानी के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। इस अभ्यारण्य के पास आपको ऋषि कुंड, सीता कुंड, हाहा पंचकुमारी, रामेश्वर कुंड और खड़गपुर समेत कई रुचि के स्थान देखने को मिलेंगे। यदि आपको प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हैं। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की बढ़ी डेडलाइन। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना हो चुका है तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसेस के साथ अपडेट कर सकते हैं। 14 जून तक आधार कार्ड को अपडेट किया जा सकता है। UIDAI ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस जानकारी को साझा किया है। UIDAI की ओर से लोगों को आधार कार्ड को अपडेट करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। इससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए myaadhar.uidai.gov.in/portal पर विजिट करना होगा और लॉगिन कर प्रोफाइल पर पहचान और पते से जुड़ी जानकारी को साझा करनी होगी। वहीं पता से संबंधित प्रूफ आदि सबमिट करना होगा। आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करने में बिहार का ये जिला नंबर 1। आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करने में बिहार का सिवान जिला नंबर 1 पर है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार सिवान के बाद पटना का नंबर आता है, जबकि तीसरे स्थान पर बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है। मालूम हो कि राशन कार्ड की मदद से आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। इसके जरिए लाभार्थी किसी भी सरकारी अस्पताल से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। राशन की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड के बनवाने की सुविधा के शुरू हो जाने के बाद राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बन चुका है। राज्य में तेजी से लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 के लिए एडमिट कार्ड को करें डाउनलोड। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 परीक्षा के लिए सेंटर कोड जारी कर दिया गया है। छात्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि 15 मार्च को परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए 415 केंद्र का निर्माण किया गया है। पहली पाली की परीक्षा के लिए 2,14,000 परीक्षार्थियों ने अप्लाई किया है। वहीं दूसरी पाली में 1,60,000 परीक्षार्थियों के लिए 277 केंद्रों का निर्माण किया गया है।
पटना में 30 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। माध्यमिक की परीक्षा के लिए जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उच्च माध्यमिक की परीक्षा के लिए फिलहाल तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। वहीं तीसरे चरण में 87,784 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरों पर जाँच की जाएगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर आना होगा। गाड़ी के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर कटेगा इतने रुपए का चालान। बिहार में कई लोग अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। मालूम हो कि कई लोग नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ करते हुए उस पर बॉस या पापा आदि लिखवा लेते हैं, लेकिन ये मोटर यान अधिनियम की धारा 177 और 179 का उल्लंघन है और ऐसा करने पर 2500 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से कुछ भी लिखवाना भी अवैध है। परिवहन सचिव के आदेश के मुताबिक सभी वाहन के मालिकों को मोटर यान नियमों का पालन करना जरूरी है। लोगों के अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। के पाठक ने स्कूलों को दिया नया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों को नया आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर सभी जिलों के स्कूलों की राशि खर्च नहीं होती है तो 15 लाख से अधिक की राशि सरकारी कोष में जमा होगी। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर सभी डीएम को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के अनुसार कई स्कूलों के द्वारा छात्र कोष और विकास कोष की राशि खर्च नहीं हो रही है। इस राशि का उपयोग चार दीवारी का उपयोग, कमरे का निर्माण, शौचालय की सफाई आदि के लिए किया जाना था, लेकिन कुछ विद्यालयों के कोष में 1 करोड़ से अधिक की राशि पड़ी हुई है। बिहार की सहकारी समिति पर नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। बिहार की सहकारी समिति पर नियम नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। सहकारी समितियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश के सहकारिता विभाग ने सहकारी समिति के खिलाफ नियम नहीं मानने पर कार्रवाई की बात कही है। नियम के अनुरूप संस्था का अंकेक्षण नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। बताया जाता है कि 2 से 3 साल से 3,276 समितियों ने ऑडिट नहीं करवाया है। सहकारिता विभाग ने समय समय पर ऑडिट करने के लिए कहा है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश दिया है। सहकारिता समितियों को संचालन और वित्त से संबंधी जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शांति जैन के बारे में। इनका जन्म 4 जुलाई वर्ष 1946 में बिहार के आरा में हुआ था। ये बिहार की एक चर्चित लेखिका और लोक गायिका थी। ये कई भोजपुरी फिल्मों के लिए गीत भी लिख चुकी हैं। इन्हीं के द्वारा भी बिहार गौरव गान लिखा गया है। लोग इन्हें बिहार में लोक संस्कृति और लोक संगीत पर लिखने वाली विदुषी के नाम से जानते थे। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री देने की घोषणा की थी। पद्मश्री के अलावे राजभाषा पुरस्कार, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान और बिहार कलाकार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में 24 से 29 मार्च तक चलेगा विशेष पोलियो अभियान। बिहार में 24 से 29 मार्च तक विशेष पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसमें होली के दौरान राज्य में 0 से 5 साल के बच्चों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर विशेष अभियान के तहत पोलियो से बचाने के लिए खुराक पिलाया जाएगा। बिहार के 23 जिलों में इन अभियान को चलाने से लेकर आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि राज्य को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 तक पोलियो का संक्रमण जारी रहा। होली के कारण राज्य के बाहर से यहां कई लोग आते हैं, इस कारण इस वायरस का खतरा होता है। इस कारण विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में होली के दिन एग्जाम। बिहार के सरकारी स्कूलों में होली के दिन एग्जाम होगा, इसका शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। इसके साथ ही तारीखों में बदलाव की मांग भी की है। राज्य में 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को होली का त्यौहार है। इस दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परीक्षा होगी। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने तिथि में बदलाव की मांग की है। आपको बता दें कि सरकारी कैलेंडर में 26 और 27 तारीख को होली है, इसी दिन होली का अवकाश होगा। इधर बिहार विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से कहा गया है कि 25 मार्च को होली है। इस पर्व को बच्चे उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन परीक्षा होने से बच्चे मानसिक तनाव में होंगे, इसलिए परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। चेक भरने के दौरान ये गलतियां करना पड़ेगा भारी। चेक भरने के दौरान कई गलतियां करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं चेक से पेमेंट करना काफी सुविधाजनक भी होता है। चेक से पेमेंट रखते हुए सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि चेक से जुड़े अकाउंट में पर्याप्त राशि का होना जरूरी होता है। यदि आपके खाते में चेक पर लिखी हुई राशि चेक से जुड़े अकाउंट में नहीं होगी तो वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक में सभी तरह के डिटेल को सही तरीके से भरना चाहिए। चेक किस तरह का है इसे सही तरीके से मेंशन करना भी जरूरी है। चेक में साइन भी ठीक तरीके से करना चाहिए। वहीं चेक पर ऐसे पेन में लिखना चाहिए जिसे आसानी से मिटाना संभव नहीं है।
बिहार में होली से पहले बढ़ रही गर्मी, प्रदेश में ठंड पहले से कम हो गए हैं। तेज धूप निकलने के से प्रदेश में तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है, साथ ही अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री और अन्य जगहों पर 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए फर्जी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आगामी लोकसभा चुनाव और होली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां शराब की तस्करी करते हुए फर्जी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से लग्जरी कार में ये शराब की बड़ी खेप को बिहार में लेकर आ रहे थे। बताया जाता है कि ये शराब को हाजीपुर में सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने शराब के 50 कार्टन को बरामद किया है। पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार महिला और पुरुष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जमीन निबंधन में गलत दस्तावेज देने पर होगा एक्शन। जमीन के निबंधन में गलत दस्तावेज देने पर कार्रवाई होगी। पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिला के तहत सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और लोक शिकायत निवारण को लेकर पदाधिकारियों का निबंधन 1908 की धारा 82 और भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 27 के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई को लेकर आदेश दिया है। उन्होंने जमीन के निबंधन में गलत दस्तावेज देने पर कार्रवाई की बात कही है, साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने की भी बात कही है। ICLEI साउथ एशिया बिहार सरकार को लक्ष्य पूरा करने में करेगी मदद। ICLEI साउथ एशिया बिहार सरकार को लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगी। बिहार सरकार को कम कार्बन कार्य योजना यानी कि लो कार्बन एक्शन जमीन पर लाने के लिए सरकार के तकनीकी सहयोग के रूप में कार्य करेगी। वहीं देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बिहार सरकार अपना सहयोग देना चाहती है। इसके लिए राज्य के सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक की थी, साथ ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ICLEI साउथ एशिया बिहार सरकार को मदद करेगी। सरकार की ओर से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साल 2070 की समय सीमा तय की गई। CUET UG के लिए कई विषयों की परीक्षा होगी ऑफलाइन। CUET UG के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी exams.nta.ac.in/CUET UG पर आवेदन कर सकते हैं। 26 मार्च को आवेदन की आखिरी तारीख है, जबकि 29 मार्च तक आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। इसके बाद 30 अप्रैल को एग्जाम के लिए शहर की घोषणा कर दी जाएगी। मई के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 15 मई से 31 मई तक परीक्षा का आयोजन होगा। इसके परिणाम 30 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं परीक्षा की बात करें तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में किए जाएंगे। कुछ विषयों का एग्जाम ऑनलाइन होगा, जबकि कुछ विषयों का एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा। इसका फैसला आवेदकों की संख्या के आधार पर होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि 12 से लेकर 15 विषयों की परीक्षा ऑफलाइन हो सकती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, NDA में सब कुछ ठीक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि NDA में सब कुछ ठीक है और BJP ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम को फाइनल कर दिया है, लेकिन इसकी घोषणा गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल करने के बाद लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे गठबंधन में सभी घटक दल एक दूसरे के साथ है और मजबूती से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने चिराग पासवान को लेकर कहा है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने NDA में चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों पर विराम लगा दिया है। CAA में मुसलमानों को शामिल नहीं करने पर RJD ने उठाए सवाल। CAA में मुसलमानों को शामिल नहीं करने पर RJD ने सवाल किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CAA को लागू करने से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसके बाद RJD ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि मणिपुर पिछले 4 महीनों से जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी आंखों को मूंद लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला देश है, लेकिन चुनाव से पहले सांप्रदायिक आधार पर भाजपा ने विभाजित करने का एजेंडा तय किया है। विपक्षी दलों ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा ने इस कानून को लागू किया है। यशस्वी जायसवाल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किया अपने नाम। यशस्वी जायसवाल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पारी में बढ़िया प्रदर्शन किया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2 दोहरे शतक लगाए थे। इस शानदार मुकाबले के बाद उन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। इनके अलावा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन को और श्रीलंका के ओपनर पाथुम निसांका का नाम भी इससे नॉमिनेट किया गया है, लेकिन यशस्वी ने इन सभी को पछाड़ दिया। वहीं इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल ने कहा है कि ICC का ये अवार्ड पाने के बाद वो काफी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि आगे उनके पास और अधिक अवार्ड होंगे।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। आज के दिन वर्ष 1997 में सिस्टर निर्मला का चयन नेता के रूप में इंडियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा द्वारा किया गया था। आज के दिन वर्ष 2009 में सार्क साहित्योत्सव आगरा में शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 2004 में भारतीय सितारा वादक विलायत खान दुनिया को अलविदा कह गए थे। आज के दिन वर्ष 1899 में बरगुला रामकृष्ण राव का जन्म हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे। भारतीय चुनाव आयोग के साथ गूगल की साझेदारी। भारतीय चुनाव आयोग के साथ गूगल ने जानकारी और गलत सूचनाओं पर कंट्रोल करने के दृष्टिकोण से साझेदारी की है। इन दोनों के बीच की ये साझेदारी आगामी आम चुनावों के दौरान AI जेनरेट कंटेंट के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए की गई है। एक ब्लॉग पोस्ट में गूगल इंडिया ने कहा है कि उसके फीचर चुनावों के लिहाज से वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। आगे गूगल ने बताया कि हम भारतीय चुनाव आयोग के साथ मिलकर गूगल सर्च को चुनाव को देखते हुए बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि चुनाव के दौरान यूजर्स को गूगल सर्च से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे 3 महीने के फ्री रिचार्ज के बारे में। व्हाट्सएप पर इन दिनों केंद्र सरकार के नाम पर सभी भारतीयों को 3 महीने के फ्री रिचार्ज देने की बात कही जा रही है। हो रहे इस वायरल खबर के जरिए बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भारतीयों को 3 महीने का फ्री रिचार्ज देंगे और इसका फायदा उठाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है जिसके तहत लोगों को फ्री रिचार्ज दिया जाए। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर शेयर किया है और इस खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। इग्नू के दाखिले तिथि में हुई बढ़ोतरी। इग्नू में दाखिले की तिथि में बढ़ोतरी हुई है। जनवरी सत्र के ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के नामांकन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च तक थी, तब इसे बढ़ाकर 20 मार्च तक कर दिया गया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए ignu.iop.samarth.edu.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के लिए कार्यक्रम के लिए ignu.admission.samarth.edu.in पर आवेदन करना होगा। छात्र क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए है चाईबासा में, ऑप्शन बी है मैंगलोर में, ऑप्शन सी है लुधियाना में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। इसका सही उत्तर है चाईबासा में। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है दीपा मलिक, ऑप्शन बी है नरेश कुमार, ऑप्शन सी है देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन डी है दलबीर सिंह चौधरी। इसका सही उत्तर है देवेंद्र झाझरिया। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल होंगे? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है ओम बिरला, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गिरहुत पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी है राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी है बंकू पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए धर्मपाल ने, ऑप्शन बी है गोपाल ने, ऑप्शन सी देवपाल ने, ऑप्शन डी है महिपाल प्रथम ने। इसका सही उत्तर है गोपाल ने। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विकास दास, मंजीत कुमार, राजीव कुमार, देवेंद्र प्रजापति, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, साधुल्ला पालवी, अति खान, गोनर शर्मा, पिंकू राज, कृष्णा प्रसाद, वेद प्रकाश सिंह, अरविंद कुमार मंडल, शोभानंद ठाकुर, रूबी कुमारी, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, नमन किशोर सिंह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
हमारे डेली बुलेटिन 25 खबर में दिखाए जा रहे सेगमेंट जैसे आज का इतिहास, बिहारी पहचान, बिहार पर्यटन, वायरल खबर में कौन सा सेगमेंट आप नहीं सुनना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।